आपने और भानु भैया ने डुओ चैलेंजेस क्यों बंद किए? हो सकता है आज आप लोगों को मेरी सांसों की बहुत ज़्यादा आवाज़ है, बिकॉज मेरी नोज़ आज भी थोड़ी बहुत ब्लॉक्ड है, बट आई एम फीलिंग मच मच बेटर देन बिफोर। और रही बात आज की वीडियो की, तो देहरादून के काफ़ी लोग बहुत से टाइम से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सबवे वर्सेस फासोस के रैप्स पे एक वीडियो ज़रूर करना, और सबवे के रैप्स मैंने आज से पहले कभी भी ट्राई नहीं किया है, तो मेरे लिए कुछ नया भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत हेल्दी भी हो जाएगा, प्रोटीन वगैरह भी मिल जाएगा। तो मैंने सोचा आज ये बेस्ट मौका है इस वीडियो को करने का, तो कर देते हैं। और रही बात इस नियॉन साइन की, काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे हैं काफ़ी नीचे इसको ऊपर करो, तो हाँ ये ऊपर होगा, ये ऊपर होके प्रॉपरली ड्रिल होगा। इसके ऊपर का एक और पोर्शन है जो कि आधा पिज्ज़ा है, तो वो भी इसके साथ अटैच होगा, यहाँ या तो सेंटर में या तो यहाँ, जहाँ भी आप लोग मेरे को बोलो मैं उधर इसको ड्रिल करवा दूंगा। बट अगर ये वॉल ब्लैंक रहती है और उसकी वजह से आपको खाने का एक बेटर व्यू मिलता है या वीडियोस का एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, तो मेरे को बता देना। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसको यहाँ नहीं लगवाऊंगा, मैं सामने वाली वॉल पे ही लगवाऊंगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दीवार पे भी होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ही लगेगा, तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं इसको यहीं कहीं ड्रिल करवा दूंगा। ISO इसका कम कर रहा हूँ ताकि खाना आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। काफ़ी लोग क्योंकि बोल रहे थे कि खाना खाने पे लाइट कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। ये है फासोस से, सबवे से ऑर्डर निकाल लेते हैं। इतना बड़ा बिल दे रखा है इन्होंने। सबवे का ये ग्रीन में है, जो नॉन वेज है वो रेड में है, इट्स गुड। फासोस का भी जो ये बाहर का पैकेजिंग होता है, इनमें जो वेजिटेरियन है उनका ग्रीन होता है, जो नॉन वेज है उनका रेड होता है, विच इज़ रियली नाइस। भाई क्या कर रहा हूँ मैं। फासोस से मैंने मंगा रखे हैं 3 रैप्स, जिनमें से 2 नॉन वेज है और 1 वेज है, और सामने की तरफ है उनकी मीट बॉल्स रखी हुई। और 3 रैप्स मैंने मंगा रखे हैं सबवे से, जिनमें से 2 नॉन वेज है और 1 वेज है। इधर सामने है मेरे पास सबवे से पेपरोनी टोस्टी, और ये सभी रैप्स इनके पर्टिकुलर मेन्यूज में बेस्ट सेलिंग में थे, इसलिए मंगा रखे हैं। और अब जो चीज मैं करने वाला हूँ, शायद से मुझे नहीं करनी चाहिए, बट प्लीज फॉरगिव मी माई थ्रोट। तो सबसे पहले मैं फासोस के रैप से स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। लेट्स डाइव इन टू दिस। आई डोंट थिंक वर्ड्स जस्टिफाई कर सकते हैं इसे, गजब। और इसे कंपेयर करते हैं अब हम सबवे के रैप से, टर्की ब्रेस्ट करके कुछ लंबा सा नाम है इसका, स्क्रीन पे आ जाएगा। लेट्स सी हाउ इट इज। सबवे के रैप मैंने पहले कभी भी नहीं खा रखे हैं। अब या तो ये एकदम ठंडे ही होते हैं, ऐसे ही खाए जाते हैं, या इन्हें रीहीट करना पड़ता है, ऐसे कहीं इंस्ट्रक्शंस मेरे को दिखे नहीं। हो गए कस्टमाइजेशन के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं सबवे में।
दीज आर चिकन स्लाइसेस और ये हैं टर्किश ब्रेस्ट। अरे तो इसके अंदर ऐसे सॉसेज डाल रखे हैं। मज़ा आ गया बैक एंड फोर्थ इनको टेस्ट करने के बाद। आपको फास्ट फूड का ज़्यादा बेटर लगेगा। बट मैं बता रहा हूँ, मैंने सबवे के रैप से कभी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना मुझे मिल चुका है। मीट बॉल का मैं बोलूँगा थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। वेज की तरफ बढ़ते हैं। पासोस से है मेरे पास जंबो पनीर टिक्का रैप, ये इनका न्यू लॉन्च है। और सबवे से है मेरे पास पनीर टिक्का सिग्नेचर रैप। ऐसा कुछ है ये जंबो पनीर टिक्का अंदर से दिखने में। ये भी पासोस से एक्स्ट्रा मंगा रखे मैंने। वन एट्टी फाइव टू थर्टी एट। ये बताऊं ये ऐसा लग रहा है आपने नॉर्मल पराठे या रोटी के अंदर ना पनीर डाल दिया। दैट्स इट, सिग्नेचर पनीर टिक्का रैप फ्रॉम सबवे। ट्राई करते हैं। इसे बोलते हैं फुली लोडेड रैप। गजब। बहुत ही ज़्यादा यूनिक गजब टेस्ट। मतलब लग रहा है कि आपने रैप ऑर्डर करा है। इट्स मोर लाइक अ रोटी और अ पराठा जिसके अंदर आपने पनीर डाल दिया। दैट्स इट। और हाँ भाई, क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक में सपोर्ट करने का कुछ पैसा वगैरह लेते हो क्या? करो थोड़ा सपोर्ट। एक काम करते हैं। अरे 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 अरे, एनीवे जो कुछ भी है,
ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बट जो इससे पहले मैंने खाया ना उसके सामने भीगा है, बट वो नॉन वेजिटेरियन था, ये वेजिटेरियन है। भी वेजिटेरियन लोग हैं ना, आंखें बंद करके आप ये पनीर टिक्का रैप पे भरोसा कर सकते हो। दोनों ही आउटलेट्स की बात कर रहा हूँ। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा अपना रीति रिवाज निभा लेते हैं। तो मेरे लास्ट वीडियो में अर्ली कमेंट्स है ना टॉप 5, उनमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि मेरे को खुद कमेंट्स देख के मजा सा आ गया। सो फर्स्ट कमेंट किया है एनजीयू परफेक्ट ने, सेकंड कमेंट किया है उद्धव शर्मा, थर्ड कमेंट किया है हिमांशी मीना ने, फोर्थ कमेंट किया है आर्ष ने, और फिफ्थ कमेंट किया है यश राज पाटिल ने। और शायद से मुझे ये बात अब समझ आ रही है, यशराज पाटिल ने जिस दिन ये वीडियो आया था उस दिन स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का मेरे को अपनी स्टोरी में मेंशन किया था, और उसमें 0 views 0 comments ऐसा कुछ था। चिकन पेपरोनी टोस्टी, अच्छा हो रहा है। आई थिंक 2-3 वीडियोस पहले एक कमेंट मेरे पास आया था बट मैं ले नहीं पाया था उस टाइम वीडियो में। सो अभिषेक मुद्गल ने एक बहुत ही आउट ऑफ द लीग, आउट ऑफ द बॉक्स जाके मेरे से क्वेश्चन किया है, जो आज से पहले मेरे से किसी ने भी नहीं किया। अगर अपने भैया से एक वीडियो बनवाओ ना कि नेवी में कैसे जाना है, आपके भैया मर्चेंट नेवी में है ना, एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि कैसे जा सकते हैं। डेफिनेटली भाई, अब मेरे भाई से ही रिलेटेड मेरे लास्ट वीडियो में किसी यश BFF ने क्वेश्चन किया है, आपने और भानु भैया ने डुओ चैलेंजेस क्यों बंद किए? तो इसका आंसर नीचे निहारिका मिश्रा ने भी दे रखा है। वो एक्चुअली मरीन इंजीनियर है और वो 5-6 महीना शिप, फिर 2-3 महीना घर, 5-6 महीना शिप, 2-3 महीना घर, ऐसे चलता है उनका। इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता उनके साथ वीडियो रिकॉर्ड करने का। किंजल PTL और लोकेश भौरियाल ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, मेरा निकनेम है अक्की AKKI। और एक और क्वेश्चन है बट उसे मैं वीडियो के एंड में ही लूंगा। मुझे सबसे पहले इन दोनों को खाना चाहिए था क्योंकि ये दोनों इनके मेन रैप्स हैं। लेट्स सी हाउ इट इज। Look at this. Beauty.
देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अभी हो सकता है कि मैं ये सबसे एंड में खा रहा हूँ इसलिए मुझे ये मतलब फ्लैट सा लग रहा है थोड़ा। आप इसमें लेयर्स देख रहे हो, मतलब अगर कोई मुझे इन दोनों का ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखाए तो मैं डेफिनेटली सबवे को ही सेलेक्ट करूंगा। मैंने ना कल परसों YouTube में एक वीडियो देखी, अक्षांशु असवाल ड्रॉपिंग फूड आइटम्स फॉर 7 मिनट्स स्ट्रेट, और उसमें जितने भी मेरे फेल्स रहे हैं ना, कभी कुछ गिर रहा है कभी कुछ गिर रहा है, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ उसमें, ओए तो वो सब उस बंदे ने बहुत अच्छे से एडिट करके डाल रखा है, बट बहुत अच्छा एडिट कर रखा है। थैंक यू सो मच जिसने भी एडिट किया है, मुझे देख के अच्छा लगा वो वीडियो। ये भले ही थोड़ा महंगा बट इट्स वर्थ एवरी पेनी, ट्रस्ट मी ये एक ही बहुत है पेट भरने के लिए। मेरे टेस्ट बड्स ना मुझे गालियाँ दे रहे होंगे कि कभी तो एकदम मसालेदार पकावा गर्मा गर्म खाना खिला रहा है और कभी रॉ। दो स्लाइसेस ये हैं, फिर दो स्लाइसेस ये हैं, और फिर दो स्लाइसेस ये हैं, पता नहीं किस किस की हैं। ये क्या करें, जॉब छोड़ दें, जरूरत नहीं थी उनकी। लेकिन अब मेरा पेट थोड़ा थोड़ा भर चुका है, प्रोटीन सटाइटी लेवल हमारा इंक्रीज कर देता है, हमारा पेट बहुत जल्दी भरता है, तो जल्दी तो नहीं भरा बट सिर्फ अब भर गया। मेरे जॉ दर्द हो गया बट मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने सोचा एंड में खाएंगे। मज़ा आ गया, बहुत दिनों बाद मैंने किसी मील को इतना ज़्यादा इन्जॉय करके खाया होगा, बहुत दिनों बाद। ट्रस्ट मी, पर्सनली मुझसे पूछो कि मैं इन दोनों में से किसे सेलेक्ट करूँगा तो डेफिनेटली आई विल गो विद सबवे, क्योंकि इसमें रॉ वेजिटेबल्स थी, बहुत ज़्यादा चिकन था, ओवर कुक नहीं किया गया था किसी भी चीज़ को, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा फिलिंग भी था और मुझे वर्थ इट लगा अपने प्राइस के हिसाब से। सो या
सबवे मेरे हिसाब से, बट दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए, किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, बट अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, अपने एब्स के गोल्स को जो मैं ध्यान में रखता हूँ, उस हिसाब से आई विल गो विथ सबवे हर बारी अगर मेरे को चूज़ करना पड़ा इन दोनों में। बट फास्ट फूड भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ। आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। और फेसबुक और इंस्टाग्राम में सपोर्ट कर देना। पीस। क्या चीज़ बनाई है जिसने बनाई है।